भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया के प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के सफल बच्चों को बिहार ताइक्वांडो द्वारा किया गया सम्मानित। नवगछिया के प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को बिहार ताइक्वांडो संघ द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य एसएन पांडे ने बताया कि उनके विद्यालय के बच्चों का ताइक्वांडो में काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है। वहीं विद्यालय के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चों में कौशल विकास, शारीरिक विकास हेतु ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जाता है। खासकर विद्यालय में छात्र के साथ छात्राओं को भी ताइक्वांडो की और ज्यादा रुझान देखा गया है और विद्यालय में भी आत्मबल मजबूत करने के लिए छात्र छात्राओं को विद्यालय में लगातार विद्यालय के ताइक्वांडो प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स द्वारा कराया जाता है। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सहित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। नवगछिया से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, गणिनाथ धाम खरीक में किया गया पूजन। 15 किलोमीटर पैदल चलकर गणिनाथ गोविंद धाम पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। गणिनाथ सेवा समिति नौगछिया द्वारा बाबा गणिनाथ महोत्सव को लेकर शनिवार को सुबह 8 बजे चैती दुर्गा मंदिर से विशाल पैदल निशान शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्त 15 किलोमीटर यात्रा कर खरीक के बाबा गणिनाथ गोविंद धाम पहुंचे। इस शोभा यात्रा के शुभारंभ से पहले चैती दुर्गा मंदिर में नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने पूजा अर्चना किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। श्रद्धालु नौगछिया बाजार, स्टेशन परिसर, नया टोला, पकराहाट, तित्री दुर्गा मंदिर, यमुनिया से ध्रुवगंज होते हुए खरीक में बाबा गणिनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा में भागलपुर सहित सीमापूर्वर्ती जिलों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्रद्धालुओं का रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बाबा का रथ आकर्षण था, साथ ही फल, मिठाई, शरबत, चाय, पानी की व्यवस्था भी रास्ते में की गई थी। बाबा गणिनाथ गोविंद पर आधारित एल्बम का लोकार्पण। हलवाई कुल के देवता बाबा गणिनाथ पर आधारित एक संगीत एल्बम का लोकार्पण बाबा गणिनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में नौगछिया में किया गया। बाबा गणिनाथ सेवा समिति का अध्यक्ष पंकज कुमार भारती ने लोकार्पण समारोह में बताया कि इस एल्बम में कुल 4 गीत हैं और यह एल्बम कुंदन कुमार के बीजी म्यूजिक से रिलीज किया गया है। सभी गानों को आवाज नौगछिया के गायक मिथुन महुआ ने दिया है। संगीत तरुण तूफानी का है तो सभी गीतों के गीतकार ऋषभ मिश्रा कृष्णा हैं। इस अवसर पर लोक गायक व संगीतकार चेतन परदेसी ने कहा कि लोक देवता गणिनाथ बाबा पर आधारित यह गीत यहाँ की लोक संस्कृति की खूबसूरती का बखान करता है। लोक विषयों पर आगे भी काम होने की आवश्यकता है। इस अवसर पर लोक गायक संगीतकार चेतन परदेसी, फिल्म लेखक राकेश कुमार, अभिनेता दिलीप आनंद, बाबा गणिनाथ सेवा समिति का अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, सचिव विष्णु शाह, संयुक्त सचिव संदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष विवेकानंद कुमार, संरक्षक निरंजन शाह, शंकर शाह, राजकुमार शाह, विशाल धर्मेंद्र, शौगन शाह, उदय गुप्ता, प्रवीण कुमार, पिंकू, सुमित कुमार, डोपी डब्लू, संतोष सोनू सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया में नागरिक अधिकारों पर बढ़ते हमले, गरीब मजदूर किसानों की हकमारी व लूट, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। भाकपा माले के बैनर तले शनिवार को भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, नौगछिया प्रखंड सचिव रामदेव सिंह, एपुआ जिला सचिव रेणु कुमारी के नेतृत्व में नौगछिया स्टेशन परिसर से मार्च करते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर घंटों जाम प्रदर्शन कर सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए बिंदेश्वरी मंडल ने कहा कि अच्छे दिन के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार ने 6 साल कार्य बीतने चला, लेकिन अब तक हजारों हजार गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिला है, राशन की लूट जारी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी जानबूझकर मॉब लिंचिंग को इनकाउंटर में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मौके पर
इनोस के राज्य सचिव गौरी शंकर राय, पुरुषोत्तम दास, रेणु देवी, कांग्रेस यादव, राधे रजक, सरफराज, रविंद्र कुमार अमन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामदेव सिंह एवं संचालन गौरी शंकर राय ने किया। ये तो वो रन लिया है, एक दिन हमने वीडियो साहब को कहा कि वीडियो साहब यदि शुरू नहीं हुआ तो हम बड़े आंदोलन में जाएंगे और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आपको हम बहुत बार कहे हैं और आज भी कहने आए हैं। मदन इलिया महिला महाविद्यालय की छात्राएं सीखेगी आत्मरक्षा के गुण। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मदन अहिल्या महिला कॉलेज में 10 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर मिशन साहसी कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक छात्राएं मिशन साहसी शिविर में आत्मरक्षा कैसे करें इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में मुख्य प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स फाइटर एवं सहायक प्रशिक्षक ब्लैक बेल्टेड मोनी कुमारी रहेगी। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कॉलेज अध्यक्ष स्मृति सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर आवाज उठाया है और महिलाओं को सम्मान दिया है, महिला नेतृत्व भी आगे किया है। मानसिक रूप से सशक्त करने के बाद महिला सुरक्षा की भयावह स्थिति देखकर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मिशन साहसी कार्यक्रम चलाया है। वहीं मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कई सदस्य मौजूद थी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें कि मुझे ये बताना है कि हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मदन अहिल्या महिला कॉलेज में 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक मिशन साहसी कार्यक्रम कर रहे हैं। मिशन साहसी आत्मरक्षा का शिविर है, 10 दिवसीय शिविर है, जिसमें कि मुख्य कोच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ताइक्वांडो खिलाड़ी जेम्स फाइटर और सहायक कोच के रूप में मोनी कुमारी रहेंगी, जो ब्लैक बेल्टेड हैं और राज्य स्तरीय ताइक्वांडो खेलती हैं। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जैसी भयावह स्थिति बनी हुई है, ऐसे में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हर लड़की को आत्मरक्षा की तकनीकें सीखनी चाहिए और इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा से महिलाओं को सम्मान दिया है, उनके अधिकार के लिए आवाज उठाया है और अब विद्यार्थी परिषद ने महिलाओं को मानसिक रूप से सक्षम करने के बाद, मजबूत बनाने के बाद, अब शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मिशन साहसी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण के लिए मानसिक मजबूती के साथ साथ शारीरिक तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। मदन अहिल्या महिला कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कॉलेज अध्यक्ष मैं आकांक्षा चौधरी, मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय से छात्र संघ सचिव। यह मिशन साहसी 10 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें छात्राओं को आत्मरक्षा की कुछ तकनीकें सिखाई जाएगी। WMM कॉलेज की छात्र संघ की अध्यक्ष हूँ और मैं ये सब में अपनी भागीदारी मतलब देना चाहती हूँ। पूरा जो भी हम लोग से होगा ना, हम लोग गर्ल्स के लिए करना चाहते हैं और इसमें हमारे जेम्स भाई है एंड मोनी जी है, जो कि हम लोग को सपोर्ट करेगी, गर्ल्स को सिखाने में सपोर्ट करेगी और सब आत्मविश्वास अपने आप में मतलब रखेगी कि हमको भी आगे चल के गर्ल्स को अपना रक्षा खुद कर सकेगी। इस सबसे थोड़ा मेरा नाम मोनी कुमारी है, मैं मदन अहिल्या कॉलेज की पूर्व छात्रा रही हूँ। मुझे मदन अहिल्या कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। मैं भागलपुर जिला ताइक्वांडो से ब्लैक बेल्ट हूँ और ये कार्यक्रम 12 तारीख से लेकर 22 तारीख तक रखा गया है। मैं प्रतिभा झा, कॉलेज उपाध्यक्ष। मिशन साहसी जो ट्रेनिंग हो रही है 12 से 22 तक लड़कियों की सुरक्षा के लिए, जिसमें जेम्स फाइटर एंड मोनिक जी है, बस मैं ये सूचना देना चाहती हूँ कि जितनी भी गर्ल्स आए और अपनी सुरक्षा। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स,
सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-0473-33, 73-68-91-47-33, www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। भागलपुर, नवगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात, सोनाम मैरिज गार्डन। आप उत्सव मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है AC एवं नॉन AC कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल, नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661-90-48-17, 79942-499-821। नवगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर, नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल, 97096-11005, 82924-91-3126। नवगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम, वर्ल्ड जिम, स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के समीप, नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम, पूर्णतया वातानुकूलित, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, मोटापा, हाई लो BP, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाएं। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम, नवगछिया स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031696929, 9031-6969-29, 799-224-5510। बैग चॉइस, बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने, उदार गली, नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नवगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस, महेंद्र लस्सी वाले के सामने, उदार गली, नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586, 8294-5586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर, शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर, नया टोला, नवगछिया, काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल, 9571-43094-87-79-23-1002। आइडियल विद्या मंदिर, हरनाचक, नवगछिया। कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934-26-1437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें। आवासीय विद्या मंदिर, हरनाचक, नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक, नवगछिया, NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा, NH 31, अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने, मकनपुर चौक, नवगछिया। नवगछिया में आगामी 8 अगस्त से क्रिकेट प्रतियोगिता का होगा आयोजन। गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव के प्रोफेसर अपनी दादी के स्मृति में करा रहे आयोजन। नवगछिया के बाजार समिति मैदान में आगामी 8 दिसंबर से स्वर्गीय छेदो देवी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिस बाबत नवगछिया के क्रेडल पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रजनी रमन झा ने बताया कि वे अपनी दादी
स्वर्गीय 6-2 देवी की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता करवा रहे हैं। यह आयोजन नौगछिया अनुमंडल स्तर पर एक प्रमुख क्रिकेट आयोजन में से है, जिसका विधिवत उद्घाटन नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार द्वारा किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता के व्यवस्थापक अमित पांडे ने बताया कि कुल 8 टीमें क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रही है, जिसमें नौगछिया, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, बिहपुर, नारायणपुर की टीमें हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रविवार 8 दिसंबर आज नौगछिया के बाजार समिति में प्रारंभ होगा। वो फाइनल मैच आगामी 15 दिसंबर को होगा। गोपालपुर प्रखंड के सभी नामांकन वैध। सिंधिया मकनपुर से सोमनाथ राहुल निर्विरोध निर्वाचित। गोपालपुर के सभी 9 पैक्सों के लिए अध्यक्ष व सदस्य पदों के लिए नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी प्रियंका ने बताया कि सैदपुर, बाबू टोला, कमलाकुंड, तिनटेंगा, करारी व बड़ी मकनपुर में सदस्य पद पर कॉलम के अनुसार नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के कारण चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। वहीं सिंधिया मकनपुर पैक्स पद पर अध्यक्ष पद पर गोसाईगांव निवासी सोमनाथ राहुल एकमात्र नामांकन दाखिल पाए जाने के कारण निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि 10 दिसंबर को नाम वापसी व प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाएगा। गोपालपुर ऑनलाइन दाखिल खारिज के सर्वाधिक मामले लंबित रहने के कारण 24 घंटे के अंदर राजस्व कर्मचारी को प्रभार सौंपने का दिया निर्देश। गोपालपुर अंचल के अंतर्गत मकनपुर में 283, गोसाईगांव में 26 व अभिया में 90 ऑनलाइन आवेदन लंबित रहने के कारण अंचलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी विनोद कुमार सिंह को 24 घंटे के अंदर संपूर्ण प्रभार किशोर कुमार मिश्रा को हस्तगत करने का निर्देश दिया है। बताते चले कि नौगछिया अनुमंडल कार्यालय में अपर समाहर्ता के द्वारा समीक्षा के दौरान इसकी जानकारी मिलने पर आनन फानन में अपर समाहर्ता के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। जीआरओ ने ढोलबजा व कदुआ पहुंचकर पेयजल योजनाओं का किया जांच। नौगछिया प्रखंड के कोसी पर कदुआ के तीनों पंचायतों में शनिवार को अनुमंडलीय लोक निवारण तवरीय पदाधिकारी पीजीआरओ मुकेश कुमार ने पहुंचकर वहां के जल नल योजनाओं के कार्य की जांच की। मुकेश कुमार ने कनी अभियंता शशि कुमार व पूर्णिमा कुमारी के साथ ढोलबज्जा पंचायत अंतर्गत मिल्की वार्ड संख्या 1, करिया के वार्ड संख्या 8, खैरपुर कदुआ पंचायत अंतर्गत गंगानगर वार्ड संख्या 6 व पंचगछिया के वार्ड संख्या 10 व कदुआ दियारा पंचायत अंतर्गत बुड़वा मुसारी वार्ड संख्या 4 सहित कई स्थानों पर पहुंचकर 7 निश्चय योजनाओं के तहत हुए कार्य को देखा। जांच के दौरान मुकेश कुमार ने कार्य को संतोषप्रद बताया। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर का हुआ स्वागत। जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह विधान परिषद सदस्य तनवीर अख्तर का स्वागत भागलपुर जाने के क्रम में नौगछिया स्टेशन पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया। उन्होंने अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से समाज के हित में काम करने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है। नौगछिया में CET परीक्षा आज, तैयारी पूरी। नौगछिया के 3 केंद्रों पर होगी परीक्षा। CET परीक्षा रविवार को होगी, इसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। नौगछिया अनुमंडल में परीक्षा को लेकर 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नौगछिया विक्रमशिला सेतु पथ जगतपुर के पास टेक्नो मिशन इंटरनेशनल स्कूल, GB कॉलेज एवं बाल भारती विद्यालय गौशाला रोड को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा को लेकर अनुमंडल प्रशासन स्तर से दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। टेक्नो मिशन इंटरनेशनल स्कूल में नौगछिया BDO प्रशांत कुमार, GB कॉलेज में CO नौगछिया विद्यानंद राय व बाल भारती विद्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है। नौगछिया SDO मुकेश कुमार ने कहा कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली में 9:30 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली में 2 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर तीनों परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। नौगछिया मिल्की गांव में जानलेवा हमले में घायल गंभीर, पटना रेफर। नौगछिया के मिल्की गांव में हुई गोलीबारी में सुधीर यादव के पुत्र राहुल यादव की स्थिति गंभीर हो गई है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से राहुल को पटना के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को देर शाम परिजन राहुल को लेकर पटना पहुंच गए थे। इधर गोलीबारी में मिल्की गांव के ही राजकुमार मंडल का नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। पुलिस को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से राहुल का फर्द बयान आने का भी इंतजार है। नौगछिया के थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने कहा कि फर्द बयान आने के बाद मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली जाएगी।